राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योतिष धर्म पर। बंधुओं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं परम कल्याणकारी अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में साधकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बंधुओं, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। शास्त्रों में अधिक मास को परम कल्याणकारी मास बताया गया है। इस पवित्र मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। प्रत्येक 3 साल पर परम कल्याणकारी पुरुषोत्तम मास आता है। यही वजह है इस मास में पूजा पाठ और दान का दिव्य फल प्राप्त होता है। इस बार पुरुषोत्तम मास देवादिदेव महादेव के सावन मास के मध्य आया है, इसलिए इस बार के अधिक मास की महिमा और अधिक बढ़ गई है। यानी साधकों को इस बार अधिक मास में हरि और हर दोनों की कृपा प्राप्त होगी। 18 अगस्त से अधिक मास शुरू होगा जो 16 अगस्त तक चलेगा। सावन की तरह ही अधिक मास का हर दिन पर्व की तरह मनाया जाएगा। यानी अधिक मास के प्रत्येक सोमवार को अधिक मास सावन सोमवार व्रत पर्व के रूप में मनाया जाएगा। आइए जानते हैं इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में साधकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बंधुओं, परम कल्याणकारी पुरुषोत्तम मास में सभी साधकों को सूर्योदय से पहले स्नान कर पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस मास में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा का विशेष फल मिलता है। पुरुषोत्तम मास में भगवान लक्ष्मी नारायण श्री राधा कृष्ण अपने इष्ट देव की उपासना करें। इस मास में श्री रामायण भागवत गीता के 14वें अध्याय का पाठ करना श्रेष्ठ होता है। इस मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। पुरुषोत्तम मास में एक समय भोजन करना आध्यात्मिक और सेहत के लिए उत्तम रहता है। इस पावन मास में दीप दान और ध्वजा दान करने की बहुत महिमा है। इस मास में सामर्थ्य के अनुसार दान करें। बंधुओं, ये विशेष बातें हैं। इन बातों को साधकों को पुरुषोत्तम मास में अवश्य करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि हमें किन बातों को, किन कामों को पुरुषोत्तम मास में नहीं करना चाहिए। इस मास में किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहना चाहिए। इस मास में सात्विक भोजन करें। पुरुषोत्तम मास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस मास में किसी से अपशब्द, ग्रह क्लेश, असत्य भाषण और क्रोध करने से बचें। शास्त्रों के मुताबिक जो साधक श्रद्धा पूर्वक इस परम कल्याणकारी पुरुषोत्तम मास में भगवत चरणों का आश्रय लेकर पूजा पाठ दान आदि धार्मिक कार्य करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक को भगवान के परम धाम में स्थान प्राप्त होता है। तो आप सावन पुरुषोत्तम मास में भगवत आराधना कीजिए और पाइए शिव शिवा के साथ श्री हरि की दिव्य कृपा। जय श्री राधे।